Hello everyone. Today I am talking to the parents. I hope that all of you are absolutely fine, with full of life, full of energy, full of enthusiasm, and taking care of all the members of your family carefully. Today we will discuss about the golden opportunity during this particular tough time. Actually, हमारे chairman sir अक्सर बात करते हैं कि हर tough situation में कुछ hidden opportunities होते हैं और हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए. और कभी कभी तो ऐसा बोलते हैं कि कन्वर्ट द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज, क्राइसिस को भी हम अपॉर्चुनिटीज में बदल दें. दिस इज द हाई टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन डिवेलप ए हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी अमंग आवर चिल्ड्रन. यू नो वेरी वेल द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी. ऑल दोज पीपल हु बिलीव्ड इन सेल्फ स्टडी दे अटेंड सक्सेस. जितने भी लोगों ने किसी कंपटीशन को फेस किया या पास किया, निश्चित ही वो सेल्फ स्टडी पे बेस्ड था. तो आज हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है. सेल्फ स्टडी द ग्रेटेस्ट मेथड. सर्टेनली द सेल्फ स्टडी इज द ग्रेटेस्ट मेथड फॉर द स्टूडेंट्स टू एनहांस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, टू गो बियॉन्ड सिंपली लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड इंस्ट्रक्टर्स. फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमम चांस ऑफ गेटिंग डिस्टर्ब्ड. सेल्फ स्टडी में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो वेरियस तरह के डिस्ट्रक्शन होते हैं उससे स्टूडेंट बच जाता है और ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है अपने स्टडीज को और कॉन्सेप्ट के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर पाता है. सेकेंड पॉइंट इज स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली. निश्चित ही इसमें सेल्फ स्टडी में बच्चा ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को लर्न कर सकता है क्योंकि वो खुद एक्सप्लोर करता है अपने सब्जेक्ट से संबंधित कंटेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को वो बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को वो तलाश करता है और अपनी ही पेस से वो चलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी ही पेस से सेल्फ स्टडी में व्यक्ति चल पाता है. क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो चलना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो फास्ट चलना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चे की अपनी एक पेस होती है. तो यहाँ पर बच्चा अपनी पेस के अनुसार ही चल पाता है और ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को लर्न कर पाता है. एक है कि स्टूडेंट कैन डिवेलप ए सर्टेन लर्निंग टेक्निक. हर व्यक्ति की अपनी एक लर्निंग टेक्निक होती है. ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी की बताई हुई टेक्निक से नहीं चलता है चीज़ों को लर्न करने में. अल्टीमेटली वो अपनी ही टेक्निक को डिवेलप करता है. आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बोल बोल के चीज़ों को लर्न करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ऊँचा ऊँचा बोल के ही लर्न कर पाते हैं, कुछ बच्चे लिख के चीज़ों को लर्न करते हैं, कोई व्यक्ति पहले पूरी लेसन को पढ़ता है फिर उसमें से क्वेश्चंस को देखता है, कोई स्टेंजा वाइज लिखता है चीज़ों को, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता है और स्टेंजा वाइज या पैराग्राफ वाइज ही क्वेश्चंस को ले लेता है. तो अपनी अपनी टेक्निक को डेवलप करने के लिए जो समय चाहिए होता है वो सेल्फ स्टडी में बहुत मिल पाता है. एक है कि सेल्फ स्टडी डेवलप्स स्टडी स्किल्स. सेल्फ स्टडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्टडी स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि बच्चे ने खुद सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया होता है और सब तरह के क्वेश्चंस को वो डील करना सीख जाता है. और टैकल करना जब क्वेश्चंस को व्यक्ति को खुद आ जाए तो लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है. इसमें वो जैसे उसने अपने पहले अपनी ही पेस से चलना सीखा, अपनी तरह से कॉन्टेंट को लेना सीखा, अपने आप ही डाउट्स को, क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना सीखा तो निश्चित ही वो धीरे धीरे सॉल्यूशंस की ओर भी बढ़ने लगता है. तो एक सर्टेन तरीके की स्टडी स्किल्स उसमें स्ट्रांग हो जाती है. एक है कि स्टूडेंट लर्न्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मिलता है सेल्फ स्टडी में. बच्चा अपना टाइम टेबल खुद बनाता है, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक बनाता है, अपने टास्क खुद सेट करता है कि कल मैं ये चैप्टर में ये पॉइंट्स को मैं लर्न करूँगा, फिर अपना होमवर्क खुद को खुद से ही देता है. उसके बाद वो असेस भी करता है कि कितना मैं कर पाया अपने टास्क को कंप्लीट, कितने मैं नहीं कर पाया. तो बहुत बड़ी बात है कि वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है कि कौन कौन से टाइम पे मुझे क्या क्या करना है और कैसे मैंने एनालिसिस करना और नेक्स्ट डे के लिए क्या टाइम टेबल बनाना है. तो वो टाइम मैनेजमेंट सीखता है और बड़ी बात है कि वो डिसिप्लिन सीख जाता है. कम से कम बच्चा एक जगह पर बैठ के समय देना सीख जाता है. अक्सर ये शिकायत रहती है पेरेंट्स को कि बच्चा घर पर बैठता ही नहीं, बुक्स लेके तो कभी इसने बैठने की बात ही नहीं की. तो ये सब चीज़ें वो सेल्फ स्टडी की जब हैबिट डिवेलप होती है तो उसमें वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है और वो जो बैठने का एक संयम है, जो डिसिप्लिन है, वो पूरी लाइफ में उसको काम आता है. एक है कि सेल्फ स्टडी एनकरेजेस क्यूरियोसिटी.
ये व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो जब भी कुछ नई चीजों को खुद तलाश करता है, एक तो उसमें उसको इंटरेस्ट रहता है, और जब कुछ चीजों को तलाश करके कुछ सोल्यूशन खुद कर लेता है तो और ज्यादा वो जिज्ञासु हो जाता है चीजों को जानने में। और अल्टीमेट बात बच्चों में यही होती है कि उसमें क्यूरियोसिटी आ जाए पढ़ने के लिए, तो वो और आगे खुद चीजों को तलाश करने लगता है और उस जिज्ञासा के सहारे वो जीवन में बढ़ने लगता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि बच्चों में आप सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेशनल बातें करें और बच्चों में उस प्रेरणा को भर दें कि वो सेल्फ स्टडी के लिए खुद उत्सुक हो जाए, क्योंकि एक बार जब वो सेल्फ स्टडी के लिए उत्सुक हो गया तो वो ताउम्र उसको काम आएगा। और आजकल के दिनों में आप उसको स्टडी से अलूफ नहीं कर सकते, आजकल 15 दिन महीने के लिए स्टडी से दूर रह गया तो समझ लेना कि बच्चा पढ़ाई से बहुत दूर हो गया। और आजकल के दिनों में इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को उसने यूटिलाइज किया और टाइम को पूरा यूटिलाइज किया अपने सेल्फ स्टडी में, तो वो जीवन की कई और चीज़ों को सीख पाएगा। और मैनेजमेंट की ओर से, स्कूल की ओर से बहुत से ऐप्स का एक्सेस दिया गया है आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, जहाँ पर एक्सेस करके आप बहुत सी चीज़ों को, बहुत से कंटेंट को ले सकते हैं। बहुत से वीडियो लेक्चर्स टीचर्स के द्वारा बनाकर आपके पास भेजे जा रहे हैं। टीचर्स की अवेलेबिलिटी फ़ोन के ऊपर फुल डे टाइम है, केवल 6 आवर्स नहीं है, फुल डे टाइम, फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टू 9 o'clock इन द इवनिंग यू कैन टॉक टू देम। तो इन चीज़ों को, सभी सभी तरह की व्यवस्था को हम यूटिलाइज करें और सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को प्रेरित करें। और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें, जो एक इन सब बातों से अलग बच्चा सीखेगा वो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो कंडीशनिंग पे ही नहीं जाएगा। एक अलग सी बात हम करते हैं कंडीशनिंग और अंडरस्टैंडिंग पे। बच्चा जब अंडरस्टैंडिंग सीखने पे आता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चा यही नहीं कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, वो बशर्ते की बात करता है, कहता है पहले मुझे ये बताओ कि 2 और 2 के बीच में साइन क्या है। अगर 2 और 2 के बीच में प्लस का साइन है तो 4, मल्टीप्लाई का साइन है तो 4, और अगर उस दोनों के 2 और 2 के बीच में माइनस का है तो 0, 2 और 2 से पहले 0 है बाद में कुछ नहीं है तो 22, 2 और 2 से पहले कुछ नहीं है बाद में 0 है तो 220। तो इस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग से बात करने लगेगा। तो मेरा अल्टीमेटली यही कहना है कि बच्चों को हम आजकल के दिनों को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए या इसके महत्व को हम समझाएं और उनको प्रेरित करें। थैंक्स अ लॉट।